एवरीवन, माय नेम इज अमरीन सुल्ताना। मैं हैदराबाद से हूँ और मैंने फेबिना ग्रुप कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। और मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम अमरीन सुल्ताना है एंड माय बैकग्राउंड इज टीचर और आज मेरी डिश का नेम है मटन हांडी। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं ये हांडी में बनाने वाली हूँ और उसको एक चारकोल का स्मोकी फ्लेवर देना चाहती हूँ। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है आपको, टेस्ट में भी उतना ही अच्छा लगेगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। कैसे बनती है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मटन लिया है विथ बोन। मैंने इसको मैरिनेट करके रखा है। मैंने एक स्पून इसमें नमक डाला है, दो स्पून लाल मिर्च पाउडर डाली है और एक हाफ स्पून हल्दी पाउडर डाला है और हाफ नींबू डाला है। इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं। चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। 1 कप दही, थोड़ा सा बटर, कोथमीर, हरी मिर्च, पुदीना, सूखे गरम मसाले, काजू, बादाम, खोपरा, 1 कप क्रीम, अदरक और लहसुन और ये चारकोल। चलिए हम पहले इसको पीस लेते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाला है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे सूखे गरम मसाले। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें मटन। अब हम इसको थोड़ी देर गलने के लिए रख देंगे। अब हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें डालते हैं दही। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का। और अब हम डालते हैं काजू बादाम का पेस्ट। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है मटन मसाले में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। इसको अच्छे से मिक्स करिए। मसाले अच्छे भूनिए जब तक तेल मसालों से छूट ना जाता है, जब तक आप अच्छे से भूनिए। चलिए हम थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं भूने, मसालों से तेल छूटने के लिए। देखिए अभी मसालों में से तेल छूटना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डालेंगे। और थोड़ा सा कोथमीर और पुदीना फाइनली चॉप करके डालेंगे। ऑलमोस्ट हमारी डिश अभी रेडी है। मैंने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ चारकोल रख दिया है। चलिए अब हमारी डिश रेडी है। देखिए ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है मसाले से। अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। आप ये चारकोल एक छोटी सी कटोरी में रखिए। देखिए रखिए और इसके अंदर रख दीजिए। और इसमें एक स्पून घी डाल दीजिए।
और जल्द से एक रैप कर दीजिए आप उसको। हाँ, तो हांडी के लिए ऐसा रैप कर दीजिए। रैप करने से इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ये डिश को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, टेस्ट में भी और स्मेल में भी। हमारी डिश रेडी है, चलिए अभी हम प्लेटिंग करते हैं। चलिए देखते हैं। वाओ, इट्स लुक गुड ना। अभी हम सर्व करते हैं इसे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम थोड़े से काजू डालेंगे। और फ्रेश क्रीम। कुछ पुदीने के पत्ते और कुछ कोथमीर के पत्ते। चलिए, हमारी डिश रेडी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कैसी लगी मटन हांडी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप खुद भी ट्राई करिएगा मटन हांडी। थैंक यू।